सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत रंगों से, प्यार के रंगों से भरी हो और संगीता परदेशी का आपको ढेर सारा प्यार। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली की बधाइयां तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन होली के लिए आज हम कुछ मीठा बनाते हैं और आज बनाते हैं हम लोग बालूशाही। तो आज मैं बताती हूँ बालूशाही के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। मैंने ये मैदा लिया है एक बड़ा कप, एक कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट है, देसी घी है और इलायची पाउडर है, ये केसर रखा है, इसमें थोड़ा पानी डाला है और पिंच ऑफ नमक है और 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर है और 1 चम्मच बारीक सूजी है, बहुत ही छोटी वाली सूजी है ये। और बालूशाही बहुत ही फेमस मिठाई है, नॉर्थ में ज़्यादा बनती है। तो चलो हम होली पे आज ये रेसिपी बनाते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। चलिए बालूशाही के लिए आटा गूंथते हैं। मैंने आटा छान के लिया है, ये बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच देसी घी लिया है, ये भी हमें इसमें मिक्स करते हैं। ये 1 चम्मच सूजी भी है। कुछ लोग सिर्फ मैदे से ही बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी सूजी भी ऐड की है ताकि हमारी बालूशाही क्रिस्पी और खस्ता बने। पहले हम ये घी और मैदा और सूजी अच्छे से मिलाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये आटा गूंद लेंगे। और इसको हमें बहुत महीन चिकना नहीं गूंदना है, हल्के हाथ से आप ये आटा गूंद लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको भिगा लीजिए। देखिए मैंने ऐसे आटा गूंथ लिया है। अभी इसको एक कपड़े से हमें 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसको रेस्ट करने देंगे। और अब हम चाशनी बनाते हैं। 2 कप चीनी है और इसको 1 कप पानी डालना है चीनी भिगने तक। इसको स्टर करते रहिए आप, और जब चाशनी बनेगी तब आप इलायची पाउडर और केसर का पानी डाल सकते हो। चाशनी हमें थोड़ी कड़क बनानी है, एकदम पतली नहीं बनानी है। तो इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, हिलाते रहते हैं। हमें केसर का पानी भी डाल देते हैं। ताकि हमारे चाशनी को अच्छा कलर आए। और थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ मैं, बस 3-4 ड्रॉप ही नींबू डालना है। नींबू से चाशनी क्रिस्टल नहीं होती और अच्छे से मॉइस्चर हो जाता है उसका। तो हमें इसे स्टर करते रहना है जब तक हमारी चाशनी नहीं बनती। इलायची पाउडर भी डाल दी है। चाशनी हमारी बन चुकी है। चाशनी को एक तार आना चाहिए, ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा ये।
अभी मैं चाशनी को रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। और हम लोग 15 मिनट्स हो गए, चाशनी बन चुकी है, चाशनी की एक तार आ रही है। और अभी इसको हम रख देते हैं बाजू में। और 15 मिनट हो चुके हैं तो हमारी बालूशाही का आटा भी तैयार है बालूशाही बनाने के लिए। तो बालूशाही तल लेंगे हम लोग अभी। देखिए हमारा बालूशाही का आटा भी बहुत अच्छे से हो चुका है। 15 मिनट तक अच्छे से भीग गया है ये आटा। आप अपने हिसाब से बालूशाही का साइज बना लीजिए। मैंने थोड़ी सी छोटी बनाई है ताकि कम खाए। क्योंकि आजकल सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो मीठा बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैंने छोटा बाइट रखा है। तो आप एक बालूशाही तो खा सकते हो। गैस पे घी रख दिया था मैंने और वो गरम भी हो चुका है। और अभी स्लो कर दिया है क्योंकि हमें स्लो आंच पे ही इसको पकाना है, तलना है। एक कटोरी में मेरी 11 बालूशाही बन गई हैं, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हो। इसको अभी स्लो गैस पे होने देते हैं, ये जब तल जाएगी तब अपने आप ऊपर आ जाएगी। देखिए सारी बालूशाही ऊपर आ गई है और हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। अभी हम इसको पलटा देते हैं। बहुत ही खस्ता बनी है। हमारी बालूशाही बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और पेपर नैपकिन में पहले निकाल देते हैं और फिर शुगर सिरप में डिप करेंगे चाशनी में। जो एक्स्ट्रा घी होगा ये पेपर पे निकल जाएगा। काफी खस्ता बनी है हमारी बालूशाही, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। ये सभी बालूशाही को हम अभी शुगर चाशनी में डाल देते हैं। और इसको 10 मिनट तक रख के फिर हम लोग निकाल लेंगे। आप चाहे तो 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो चाशनी अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए कितनी खस्ता बनी है हमारी बालूशाही। इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रख दीजिए ताकि अंदर तक चाशनी की मिठास चली जाए। तीन मिनट हो चुके हैं और बालूशाही अच्छी तरह चाशनी में भीग चुकी है। तो अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे।
हमारी होली की मिठाई बालूशाही बिल्कुल तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और होली का मज़ा इस घर में बनाए हुए स्वीट के साथ लीजिए। हैप्पी होली, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। थैंक यू।